और मिशन लोटस को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नारा दिया था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन तो दिखा नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन हो जाए। समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय में एक खुशी की लहर है और इसका स्वागत पूरा हिमाचल कर रहा है, मगर लोकसभा से पारित होने के बाद अपर हाउस यानी राज्यसभा में ये बिल अटक गया था। अब वहां से ये पास हो गया है, कानून की शक्ल ले चुका है। इसका प्रभाव हिमाचल में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी पड़ता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? एक इलाका जो गिरिपार का हमारा सिरमौर जिला के अंतर्गत पड़ता है, कि वहां के लोगों की मांग थी, वर्षों से मांग थी, लगभग पिछले 55 वर्षों से मांग कर रहे थे कि इस इलाके के लोगों को ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है और वहां पर ट्राइबल का दर्जा ऑलरेडी पहले से दिया गया है। बोली भाषा, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो मांग थी सिरमौर जिला के अंतर्गत उस गिरिपार के इलाके के, तो उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं मिल पाया था। और लंबे समय से संघर्ष करने के पश्चात जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, इनका एक डेलीगेशन मुझे मिला और जिन्होंने आग्रह किया और मैंने मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारे विषय का गहन अध्ययन किया और दिशा निर्देश दिए और उस पर कार्यवाही करते हुए बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसका 16 दिसंबर 2022 को पारण हुआ। लेकिन लोकसभा के पारण के पश्चात एक आवश्यकता थी कि राज्यसभा में भी इसका पारण होना, तो किसी कारण से विलंब हो गया और अब मुझे इस बात की खुशी है कि 26 जुलाई को ये बिल पारित हुआ राज्यसभा में और ये कानून बन गया। अगला सवाल सर मेरा हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मतभेद मनभेद की खबरें हिमाचल सरकार के नेताओं के बीच में आ रही है और उसी दरमियान एक बयान आपका आया कि व्यवस्था परिवर्तन की संभावनाएं हैं, इसको लोग मिशन लोटस का नाम दे रहे हैं। 7 महीने से ज्यादा का कार्यकाल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक नारा दिया है व्यवस्था परिवर्तन, तो हमारा ये कहना है उनको कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो हुई नहीं, दिखी नहीं, व्यवहार में ने काम में दिखी कहीं भी नहीं दिखी। लेकिन ऐसे नहीं हो कि व्यवस्था परिवर्तन के बजाय सत्ता परिवर्तन हो जाए, ऐसे में मजाक में उनको बात कही है तो जिस पर बहुत परेशानी है। जहां तक ऑपरेशन लोटस की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल हालात उनकी ऐसे बन जाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में होती हैं और उसके लिए हम दोषी नहीं होंगे, दोषी तो वही होंगे। उनको सत्ता चलाने का, सरकार बना करके काम करने का एक अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से कांगड़ा में चिड़ियाघर को लेकर स्वीकृति मिल गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? हिमाचल अभी जिस त्रासदी से गुजर रहा है और जो संभावनाएं बनी हुई, अभी भी बरसात हो रही है और आकलन किया जा रहा है, केंद्र की टीम भी गई है, आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, केंद्र सहयोग भी कर रहा है, उसमें भी हमने राजनीति देखी, मगर ये चिड़ियाघर अभी जो जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये वक्त उस सारी चीज के लिए नहीं है। जो ट्वीट किया है उनने CZA जो हम सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से उनने शायद बात कही है कि उसकी स्वीकृति मिली, स्वीकृति मिली है, लेकिन इस वक्त जो कि चिड़ियाघर की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त हिमाचल त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है और बहुत बड़ी त्रासदी, जहां सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, लोगों के घर जो है वो बह करके चले गए हैं, लोगों की जिंदगियां चले गई हैं, आना जाना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में फोकस उनको करना चाहिए कि इस त्रासदी के दौर में हम हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार से संभालें, किस प्रकार से मदद करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने News18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन मुर्मून के साथ मैं रवि मिश्रा, News18।